छात्रावास का अवैध अतिक्रमण खाली करो, शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का जांच कराना होगा, बच्चों जुल्म के टक्कर में, बच्चों जुल्म के टक्कर में अवैध अतिक्रमण हटाना होगा। बेगूसराय में आज AISF के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष अपनी 7 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना और प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व AISF के राजाध्यक्ष अमीन हमजा ने किया। इस संबोधन में AISF के राजाध्यक्ष अमीन हमजा ने कहा कि वर्तमान में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है वो BP स्कूल का छात्रावास है, जिस पर शिक्षा विभाग कुंडली मारकर बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, वो अंग्रेज जमाने की बना हुआ बिल्डिंग है, जिसके मेंटेनेंस के नाम पर शिक्षा विभाग के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में उनकी मांग है कि शिक्षा विभाग अपने कार्यालय को कहीं अन्यत्र ले जाए और इस छात्रावास को खाली करे। वहीं अमीन हमजा ने कहा है कि जर्जर इस भवन को सरकार छात्र हित में मरम्मत कराकर BP स्कूल को सौंप दे। अमीन हमजा ने यह भी कहा कि AISF लगातार यह मांग करता रहा है कि BP स्कूल के इस छात्रावास को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के चंगू से मुक्त कराया जाए। आपको बताते चले कि BP स्कूल का यह हॉस्टल कुछ दिनों पूर्व उस समय सुर्खियों में आया था जब इसकी छत गिर गई थी। हालांकि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ था, लेकिन इसको लेकर अब छात्र संगठनों के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट, BNP न्यूज, बेगूसराय। किस लिए शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को घेरने जा रहे हैं, क्या पूरी मांग है? देखिए, बेगूसराय में शिक्षा के नाम पर धांधली हो रहा है। आपको हम एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो शिक्षा पदाधिकारी का ऑफिस है वो BP हाई स्कूल का हॉस्टल है। मैं सीधे तौर पर शिक्षा पदाधिकारी से मांग करने के लिए आया हूँ कि जल्द से जल्द हॉस्टल खाली करें, नहीं तो आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उग्र आंदोलन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ईट से ईट बजाने का काम करेंगे। दूसरा सवाल है, आप तमाम स्कूल, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल को प्लस टू कर दिए हैं, लेकिन बच्चा को बैठने के लिए बेंच नहीं दे रहे हैं, ना शिक्षक बहाल कर रहे हैं। निश्चित तौर पे काफी लूट खसोट का अड्डा बन गया है शिक्षा पदाधिकारी ऑफिस। दूसरा सवाल, अनुपम्पा पर जो नौकरी होता है, यहाँ सीधे तौर पे करोड़ों लाखों रुपया का लूट खसोट किया जाता है। दलाली के नाम पर अगर 1 लाख दीजिएगा तब आपको नौकरी देंगे। आप बताइए, ये तमाम मैटरों को लेकर आज हम लोग 200 छात्रों को जुटाकर ये शिक्षा पदाधिकारी की पोल पट्टी खोलने का काम कर रहा है। शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भवन भी जर्जर होने वाला है, गिर रहा है। निश्चित तौर पे एक चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब लूट खतोट लेकर आइएगा कोई चीज, आप ध्यान नहीं दीजिएगा। लगभग कई दशक से यहाँ शिक्षा पदाधिकारी ऑफिस बनाकर बैठे हैं, लेकिन अभी चाहते तो निश्चित तौर पे वो है क्या? वो BP हाई स्कूल का हॉस्टल है। फिर इनका ऑफिस कहाँ? जबरदस्ती तानाशाही करके वो अपना रुतबा जमा रहे हैं। अच्छा। और कोई बात नहीं, उनका काम है, कहाँ ऑफिस बनाएंगे, क्या करेंगे, उनका काम है। लेकिन सरकारी जो BP हाई स्कूल है, उस हॉस्टल को अपने शोषण किए हैं। अच्छा। निश्चित तौर पर तमाम सवालों को लेकर आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ईट से ईट बजाने का काम। मांग है पूरे हम लोग का, 7 मांग है। निश्चित तौर पर 7 मांग अगर नहीं होता है, आर पार की लड़ाई लड़ने। क्या नाम हुआ? अमरेश कुमार, जिला अध्यक्ष AISF। किस लिए DO कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारा सीधा मांग है और इसी मांग को लेकर आए हैं कि जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये जिला शिक्षा कार्यालय अस्थाई नहीं है, बल्कि ये जहां पर हम बैठे हुए हैं ये छात्रों का छात्रावास है, ये BP स्कूल के छात्रों का छात्रावास है, जिसका लगातार शिक्षा विभाग अतिक्रमण करके यहाँ पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। एक तो वो कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ वो यहाँ पर किसी भी तरह की मरम्मति नहीं कर रहे हैं, इसका रखरखाव नहीं कर रहे हैं इस छात्रावास का, जिसका नतीजा ये है कि आज वो छत गिर गया है। अभी कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर धरना पे बैठे हैं कहीं ऊपर से गिर ना जाए, कोई गारंटी नहीं है। इस पर DO साहिबा का कोई ध्यान नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ किस तरह से दलाली होगा और किस तरह से लूट खसोट होगा शिक्षा विभाग में, उस पर ध्यान है, और उनको यहाँ पर रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं है। हम सीधे तौर पर इस मांग को लेकर आए हैं कि जल्द से जल्द आज एक तिथि तय कीजिए कि ये जो छात्रावास शिक्षा ये जो छात्रावास पर शिक्षा विभाग कुंडली मारकर अवैध कब्जे कर बैठी हुई है, उस शिक्षा विभाग कार्यालय को खाली करके इस छात्रावास को BP स्कूल के छात्रों के हवाले करके
ये यहाँ से जाए और दूसरी जगह अपना कार्यालय बनाए। और अभी एक पत्रकार महोदय कह रहे थे हमारा नींद टूटा, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ ये हमारा दशकों से मांग है। आप यहाँ का दस्तावेज निकाल कर देख लीजिए कि हमारा ही ये इतिहास है कि यहाँ पर हम लोग आकर घेर कर जब कॉलेजिएट हाई स्कूल में निगरानी विभाग का कार्यालय खोला गया था, हम लोग यहाँ पर आकर प्रदर्शन करके निगरानी विभाग के कार्यालय के आदेश को वापस कराए थे। और वापस कराने के बाद उस वक्त डीओ ने इस बात का फैसला किया था, तत्कालीन डीओ ने, कि यहाँ से वो कार्यालय स्थानांतरण हो जाएगा। लेकिन लापरवाही का नतीजा ये है कि चिट्ठी निकालने के बावजूद यहाँ से स्थानांतरण नहीं किया। हम इसकी निंदा करते हैं और आज इस बात को लेकर आए हैं। इस बात की गारंटी करनी पड़ेगी डीओ साहिबा को कि वो कब यहाँ से स्थानांतरण करेंगे इस कार्यालय को, नहीं तो हम लोग आज शांतिपूर्ण आंदोलन करने आए हैं, आगे हम लोग उग्र आंदोलन करने का ऐलान करते हैं, जिसकी जवाबदेही डीओ साहिबा की। चेक भी यहाँ से गायब हुआ है, ये निश्चित तौर पर लापरवाही है, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है, ये डीओ पूरी तरह से गैर जवाबदेह है, जिसका नतीजा है आप देख सकते हैं कि इनके नाम से कोई साइन करके फर्जीवाड़े तरीके से कहीं जाके चेक निकाल पैसा निकाल। क्या लगता है चेक गायब करवाया गया है या गायब हुआ? उसी को कोई ना कोई इस नाम पर घोटाला करने की कोशिश किया और जब पकड़ने लगे, जब मामला हाईलाइट हो गया, तब 6 चेक को गायब कर दिया गया। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसमें शिक्षा विभाग का मिली भगत है और जिस पर डीओ साहिबा का कोई ध्यान नहीं है। हम सीधे तौर पर इस मांग को लेकर आए हैं कि बेगूसराय के जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूलों में जिस तरह से बीहट स्कूल में पढ़ाई होती है, जिस तरह से महनपुर स्कूल में पढ़ाई होती है, उस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था करें। हम इस मांग को लेकर आए हैं कि बेगूसराय के तमाम मिडिल स्कूलों में जहां गरीब बच्चे पढ़ाई करते हैं, उस स्कूलों की सुदृढ़ीकरण हो, उस स्कूल की मरम्मती हो, उस स्कूल में उस तरह की पढ़ाई हो जहां प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई हो। नई शिक्षा नीति 2020 जो गरीबों को शिक्षा से वंचित करने वाली नीति है, उस नई शिक्षा नीति 2020 को वापस लेने के हमारे भगवान को ऊपर तक पहुँचाए। इस सवाल क्या नाम हुआ आपका? अमीन हमजा, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया स्टूडेंट।